हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका आर्किटेक्ट विकास और स्वागत करता हूं हमारे चैनल एवी स्टूडियो के अंदर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे 10 फीट बाय 15 फीट का। आज का हमारा टाइनी हाउस प्लान है। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5.4 लाख है फॉर द फोर फ्लोर्स, ग्राउंड एंड फर्स्ट फॉर द कमर्शियल, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर द रेजिडेंशियल। सो नीचे दुकान है, ऊपर मकान है विद बेसमेंट फ्लोर एंड टेरेस गार्डन। 150 स्क्वायर फीट हाउस प्लान है। एक 16.6 गज का प्लॉट साइज है जिसके अंदर हमने आपको दुकान प्लस मकान निकाल कर दिया है। सो बने रहिए चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आइए डिज़ाइन की तरफ चलेंगे। सो गाइज, हमारा प्लॉट साइज देखेंगे 10 बाय 15 फिट का है। प्लॉट एरिया 150 स्क्वायर फिट, ये हमारी एंट्री रहेगी। आइए एक बार प्लॉट का ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉर्नर प्लॉट है, दो साइड रोड है, अदर टू साइड अदर प्रॉपर्टीज हैं। सो ये इसका एलिवेशन रहेगा दोस्तों। बाहर से लुक देखेंगे, हमने वुडन लुक दी है। नीचे देखेंगे ब्लैक टाइल्स का यूज़ किया हमने। ऊपर देखेंगे टेरेस गार्डन है, चार फ्लोर हैं, बेसमेंट प्लस टेरेस गार्डन रहेगा। सो इट्स अ व्यू फ्रॉम द रोड साइड। ग्राउंड फ्लोर पे आपको शॉप मिलेगी, बेसमेंट में आपको स्टोरेज करने का स्पेस मिलेगा। सो ये एंट्रेंस है हमारी शॉप की। आइए एंटर करेंगे। शॉप का साइज देखेंगे 8 फिट 6 इंच बाय 7 फिट 9 इंच है। दिस इज़ द एरिया अपार्ट फ्रॉम द स्टेयरकेस एरिया। 2.5 फिट के हमारे स्टेयरकेस है, तो 5 फिट के हमारे स्टेयरकेस का एरिया है। उसके अलावा जो स्पेस बचता है वो हमारा शॉप के लिए अंदर है। इस तरीके से आप इंटीरियर कर सकते हैं अपनी शॉप का। कॉर्नर प्लॉट है तो दो साइड से आप हम इसके अंदर विंडो दे सकते हैं। एक साइड से आप एंट्री करेंगे, एक साइड से आप अपनी विंडो देंगे। स्वाइए बेसमेंट की तरफ चलेंगे। ये हमारा स्टेयरकेस एरिया है। स्टेयरकेस की विड्थ देखेंगे 2.5 फिट है, ट्रेड 10 इंची है, राइजर 8 इंची है। तो इस तरीके से डॉगलेग स्टेयरकेस हैं। सो हमारा बेसमेंट है 8 फिट 6 इंच बाय 8 फिट 3 इंच का। इस तरीके से आप सेल्फ लगा के एज इन स्टोरेज इसको यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए दो वेंटिलेटर रहेंगे यहाँ पर। सो सेपरेट एंट्री रहेगी रेजिडेंशियल स्पेस के लिए। इस तरीके से आप अप चलेंगे फॉर द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करेंगे, सीधा लिविंग एरिया के अंदर एंटर करेंगे। 7 फुट 6 इंच बाय 10 फुट 6 इंच की इसकी डायमेंशन रहेगी। इस तरीके से आप सेटिंग करते हुए सामने की तरफ अपना वॉल डिकोर कर सकते हैं। ये सामने आपको वॉश बेसिन का स्पेस मिल रहा है और सामने आपको टॉयलेट का स्पेस रहेगा। प्लस आपको इस फ्लोर के अंदर बैल्कनी मिल रही है छोटी। इसके अलावा आपको ये कॉर्नर पे विंडो एक और मिल रही है फॉर लाइटनर वेंटिलेशन। ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है। बॉर्डर करते हुए आप पुट्टी के अंदर, पीओपी के अंदर, जिप्सम बोर्ड के थ्रू इस तरीके से आप फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। ये टॉयलेट के अंदर चलेंगे। टॉयलेट का साइज़ देखेंगे 4 फिट बाय 6 फिट है। एक साइड आप वर्लबीसी लगवाएंगे, डोर के सामने आप अपना बेडिंग एरिया रख सकते हैं। वॉश बेसिन जो हमने है बाहर लिविंग रूम में कॉर्नर की तरफ रखा है एंट्रेंस पे। सो आइए बैल्कनी की तरफ चलेंगे। बैल्कनी का साइज़ देखेंगे 4 फिट बाय 4 फिट। इस तरीके से आप प्लांटेशन करते हुए अपना एक खड़े होने का स्पेस यहाँ पर निकलवा सकते हैं। सेकेंड फ्लोर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है आपका किचन प्लस आपका बेडरूम। ये आप एंटर कर रहे हैं अपने सेकंड फ्लोर के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलेगा किचन, डाइनिंग प्लस आपका बेडरूम। यह आपका किचनेट है दोस्तों। 4 फिट 6 इंच वाइड आपकी किचन एरिया रहेगा। दो फिट के आपके स्लैब के बाद आपके पास 4 फिट का स्पेस बचता है किचन के लिए। ये छोटा सा आपका एक डाइनिंग काउंटर रहेगा सिंगल पर्सन के लिए। साइड में आपको फ्रिज रखने का स्पेस मिलेगा। फिर आपका मिरर रहेगी फॉर द बेडरूम एरिया। तो इस तरीके से आप डबल बेड लगा सकते हैं, बुंकन बेड लगा सकते हैं। 6 फिट वाइड स्पेस रहेगा आपके पास ये। सो ये पूरा व्यू है आपका, सिटिंग से आपको जो व्यू मिलेगा घर का। ये आपका टेरेस गार्डन है दोस्तों। 11 फिट 9 इंच बाय 10 फिट 6 इंच का स्पेस है, जिसके अंदर आप आराम से इस तरीके से सिटिंग लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी लुक आएगी इसके थ्रू आपकी। परगोले के थ्रू आप इसको सनसेट दे सकते हैं। इस तरीके से वॉल डेकोर कर सकते हैं। रेलिंग का डिज़ाइन भी इस तरीके से आप दे सकते हैं। साथ में आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ करते हुए आप इसको एज एन टेरेस गार्डन यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर देखेंगे तो ममटी के ऊपर आप अपना वाटर टैंक रख सकते हैं। सो ये हमारा आज का प्लान था 10 बाय 15 फिट का, जिसके अंदर हमने आपको इंटीरियर के थ्रू दिखाया है कि व्यू कैसा रहेगा, कैसे आप प्लानिंग करें।
तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, हमारे नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल सके।